चालू होई गई वो अपनी प्रेम कहानी होई चालू होई गई वो अपनी प्रेम कहानी होई गई दुनिया अपने प्यार ने दीवानी तो हेलो गाइस, सो गाइस आपने भी जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं उसी तरह का स्टेटस आज हम बनाना आपको सिखाएंगे। ओके तो गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप उसी मटेरियल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी मटेरियल में अपलोड कर देता हूँ। ओके तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए अपने को अलाइट मोशन की एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही वाला अलाइट मोशन चाहिए तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पर मैं आपको इस वाले अलाइट मोशन की लिंक दे दूंगा। ओके तो गाइस यहाँ पे अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप अलाइट मोशन ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके तो नीचे प्लस के साइड में प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है तो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे बीटमार्क और शेक इफेक्ट की दो प्रीसेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके तो यहाँ पे बीटमार्क को ओपन कर देना है। सो बीट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह सॉन्ग बीटमार्क मिलेगा। ओके तो गाइस यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ हिंदी की, उस फ़ॉन्ट की मैंने पहले से वीडियो चैनल के बना के रखा हूँ तो उस वीडियो को जाके देख लेना और फ़ॉन्ट ऐड कर लेना है, वहाँ पे सभी फ़ॉन्ट मिल जाएगी। ओके तो गाइस इन फ़ॉन्ट की लिंक टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ओके तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस अभी यहाँ पे बीट मार्क को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे फोटोज़ को ऐड करना है। ओके तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेना, तो मैंने यहाँ पे इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे अपने को इधर स्क्रॉल कर लेना है यहाँ तक। ओके 7.8 तक अपने को एक फोटो को लेना है, एंड इस तरह से थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्प्रेसिव एरिया कर देना है तो जो फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अब इस वाली फोटो को अपने को यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे ले आना है, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके रखना है और इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे कर लेना। ओके सो देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे टेक्स्ट के नीचे कर लिया हूँ, तो आपको इस तरह से कर लेना है जितनी टेक्स्ट होगी यहाँ पे इस तरह से। ओके सो इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे फिर से फोटो ऐड करना, फिर से मीडिया में जाना और यहाँ पे फिर से अपने को नेक्स्ट फोटो का ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे इस वाली फोटो को ले लिया, एंड इस तरह से इस वाली बिट पे आने के बाद यहाँ से इसे ड्रैग करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्प्रेशन एरिया कर देना है, तो यहाँ पे फिर से फोटो आ चुकी है। फिर से इस वाली फोटो को अपने को टेक्स्ट के नीचे ले आना है इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे जितनी फोटो ऐड करोगे उन सभी फोटो को टेक्स्ट के नीचे लाना है इस तरह से। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह से टेक्स्ट के नीचे कर लिया हूँ। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट फोटो ऐड करना है, फिर से प्ले मीडिया में जाना है, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट फोटो को अपने को ऐड करना है। ओके तो यहाँ पे मैंने फिर से इस वाली फोटो को सिलेक्ट किया हूँ, फिर से इधर एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्प्रेशन एरिया कर देना। ओके सो गाइस यहाँ पे इस तरह से ऐड करने के बाद फिर से इस वाली फोटो की लेंथ को अपने को यहाँ पे मतलब टेक्स्ट के नीचे ले आना है इस तरह से। तो गाइस आप जितनी फोटो होती है उन सभी फोटो को ऐड कर लेना है, एक एक फोटो करके ऐड कर लीजिएगा और टेक्स्ट के नीचे इस तरह से ले आना। ओके तो मैं आपको एक साथ सभी फोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ओके ताकि वीडियो बड़ा ना हो सके। ओके सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे टेक्स्ट था मतलब जैसे बिट लगा था वैसे ही टेक्स्ट भी यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे सभी फोटो कर लिया हूँ और सभी फोटो ऐड भी कर लिया हूँ। देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर है और फोटो नीचे है, तो इस तरह से आपको करना था। ओके तो यहाँ पे इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे बैग आ जाना। ओके सो शेक इफेक्ट की जो प्रीसेट होती है टेक्स्ट प्लस उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट होता है सबसे पहले तो अपने जो फर्स्ट नंबर की फोटो थी उस वाली फोटो पे क्लिक कर देना, एंड इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसका इफेक्ट यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इफेक्ट को कॉपी करने के बाद अपने को फिर से बैग आ जाना और फिर से शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं शेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, एंड नीचे स्क्रॉल करना है। अब जो फर्स्ट नंबर में अपन ने एक फोटो ऐड किया था उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके एक ही फोटो में ऐड करना है, सो फिर से बैग आना और फिर से यहाँ पे अपने को शेक इफेक्ट का जो प्रोसेस होता है उसे ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड नंबर की जो फोटो थी उस वाली फोटो पे क्लिक कर देना है, एंड इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसका इफेक्ट यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इफेक्ट को कॉपी करने के बाद अपने को फिर से बैग आ जाना और बीट मार्क को ओपन करना है। और हाँ गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मैं इस चैनल पे इसी तरह से एडिटिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, ओके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस यहाँ पे अपने को इधर स्क्रॉल कर लेना, एंड यहाँ फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, पेस्ट कर लेना है, तो जो इफेक्ट होता है वो फोटो में ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। देख सकते हो ये इस तरह से फिर से नेक्स्ट फोटो पे ऐड करना, फिर से फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, पेस्ट कर लेना है।
तो गाइस आपको इस तरह से कर लेना है। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट फोटो पे क्लिक कर देना, एंड इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना और पेस्ट कर लेना। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे फ्री मटेरियल डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइस आप इस तरह सभी फोटो में कर लीजिएगा, मैं आपको एक साथ सभी फोटो में इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ओके सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सही फोटो में इफेक्ट को ऐड कर लिया। सो इस तरह से इफेक्ट को ऐड करने के बाद अपने को फिर से बेगाना और फिर से एक इफेक्ट के प्रीसेट को ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के बाद जब जो टेक्स्ट पे इफेक्ट होता है ओके यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ से थ्री डॉट में जाने के बाद इसके इफेक्ट यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है इस तरह से। ओके तो गाइस यहाँ पे इफेक्ट को कॉपी करने के बाद अपने को फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया। सो ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना कुछ इस तरह से, एंड जो टेक्स्ट होता है उस वाले टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद पेस्ट कर लेना। तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे टेक्स्ट में लग जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से टेक्स्ट आएगा। ओके तो फिर से नेक्स्ट टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना है, सो पेस्ट हो जाएगा। ओके फिर से नेक्स्ट लेयर को स्क्रॉल करना इस तरह से, एंड यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना लेयर पे और थ्री डॉट पे, सॉरी इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, पेस्ट कर लेना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जितने भी लेयर लिखे होंगे ओके उस वाले लेयर पे क्लिक कर देना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना और पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे इस तरह से सभी इफेक्ट होता है वो ऐड हो जाएगा। ओके तो गाइस मैं आपको थोड़ा जल्दी से यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। ओके सभी लेयर पे करना है आपको भी, तो एक एक लेयर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी से करके दिखाता हूँ। ओके सो गाइस देख सकते हो तुमने यहाँ पे सभी टेक्स्ट में भी इफेक्ट ऐड कर लिया हूँ। सो इस तरह से करने के बाद अपने को फिर से देगा जाना, फिर से एक बार से एक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो HDR का जो प्रीसेट होता है उसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे थ्री डॉट में जाने के बाद इसे कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा। सो कॉपी टू लेयर करने के बाद इधर स्क्रॉल करना, फिर से बिटमैन वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, पेस्ट टू लेयर कर लीजिएगा। जो HDRCC का प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एंड स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड तक अपने को यहाँ पे दो लेयर को इस तरह सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दोनों को और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो जो दोनों लेयर एंड तक आ जाएंगे। सो यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके